हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अनुराग सिंह यूट्यूब चैनल मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन में निकली हुई वैकेंसीज के बारे में चलिए शुरू करते हैं तो आप देख सकते हैं ये है एन की ऑफिशियल वेबसाइट इसमें आप करियर के सेक्शन में जाएंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा आप यहाँ से ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं इसमें नोटिफिकेशन का नंबर है जीरो वन आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पी ओपन हो जाएगी सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन सी पोस्ट की वैकेंसीज आई हैं तो इसमें काफी सारी पोस्ट की वैकेंसीज आई हैं और इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 226 तो एक अच्छा नंबर ऑफ वैकेंसीज है अब बात करते हैं सबसे पहली पोस्ट के बारे में तो इसमें फर्स्ट पोस्ट है मेंटेनेंस एसोसिएट मैकेनिकल की इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज टू हैं जो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए है क्वालिफिकेशन इसमें मांगी गई है आपके पास तीन साल का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इसमें बी और बी वाले भी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जो आगे मैं वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा अब बात करेंगे एज लिमिट की तो इसमें मैक्सिमम एज लिमिट है अप्लाई करने की 28 इयर्स और जितने भी रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग मिलेगा नेक्स्ट पोस्ट है मेंटेनेंस एसोसिएट इलेक्ट्रिकल की इसमें काफ़ी अच्छी वैकेंसीज आई है इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज थर्टी सिक्स हैं जिसमें सेवनटीन जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए नाइन ओ बी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए है फाइव एस के लिए है टू एस के लिए है और थ्री वैकेंसीज एस कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए है इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है आपके पास तीन साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में थर्ड पोस्ट है मेंटेनेंस एसोसिएट इलेक्ट्रॉनिक्स की इसमें भी काफी अच्छी वैकेंसीज है ट्वेंटी टू नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं इसमें इसमें ग्यारह जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए है पाँच ओ कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए तीन एस सी कैटिगरी कैंडिडेट्स के लिए एक एस टी के लिए है और दो वैकेंसी ए कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए है इसमें आपसे क्वालिफिकेशन मांगी गई आपके पास तीन साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट के बारे में तो इसमें नेक्स्ट पोस्ट है मेंटेनेंस एसोसिएट सिविल की इसमें दो वैकेंसी है और ये जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए है इसमें आपके पास तीन साल का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में इसके बाद बात करते हैं प्रोग्रामिंग एसोसिएट की पोस्ट के बारे में इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज फर हैं जिसमें तीन जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए है और एक वैकेंसी ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए है इसमें मैक्सिमम एज लिमिट है अप्लाई करने की 28 एट ईयर्स और इसमें क्वालिफिकेशन मांगेगी आपके पास तीन साल का डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या फिर आपके पास बी सी ए की डिग्री होनी चाहिए या फिर आपके पास बी एस ए की डिग्री होनी चाहिए आई टी या फिर कंप्यूटर साइंस में इसमें एमएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और एम सी ए वाले भी अप्लाई कर सकते हैं जो आगे मैं आपसे वीडियो में डिस्कस करूंगा अब बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट के बारे में तो इसमें नेक्स्ट पोस्ट है टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन की इसमें काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है, हैं टोटल 43 नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हैं जिसमें 11 सॉरी इसमें 19 जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए है 11 ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए है छह एस कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए है तीन एस के लिए है और चार वैकेंसी ईडब्लू कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए है इसमें मैक्सिमम एज इस लिमिट अप्लाई करने की ट्वेंटी फाइव अब बात करेंगे क्वालिफिकेशन की तो इसमें आपके पास आई सर्टिफिकेट होना चाहिए एन से या फिर एस से इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड नेक्स्ट पोस्ट है टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की इसमें टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 27 है जिसमें 13 जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए सात ओ बी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए है, चार एस सी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए है एक एसटी के लिए है और दो वैकेंसी ई कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए है इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है आपके पास आई सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड में इसके बाद बात करेंगे अगली पोस्ट के बारे में तो इसमें नेक्स्ट पोस्ट है टेक्नीशियन एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन की इसमें तीन वैकेंसी है और ये तीनों वैकेंसी जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए है इसमें भी आपके पास आई सर्टिफिकेट होना चाहिए एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन मैकेनिक ट्रेड में नाइन्थ पोस्ट है टेक्नीशियन फिटर की इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 18 है जिसमें 10 जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए है चार ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए है दो एससी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए है और एक एक वैकेंसी एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए है इसमें आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए फिटर ट्रेड में अब बात करेंगे नेक्स्ट पोस्ट के बारे में तो इसमें नेक्स्ट पोस्ट है टेक्नीशियन वेल्डर की इसमें दो वैकेंसी है और ये दोनों ही वैकेंसी जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए है इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई आपके पास आई सर्टिफिकेट होना चाहिए एन या फिर एस से इन वेल्डर ट्रेड लास्ट पोस्ट है स्टेशन कंट्रोलर ट्रेन ऑपरेटर और ट्रैफिक कंट्रोलर की इसमें काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं इसमें टोटल 67 सेवन वैकेंसीज हैं इसमें 30 जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए है 18 ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए है 9 एससी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए है 4 एसटी के लिए है और 6 वैकेंसी ई कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए है इसकी मैक्सिमम एज लिमिट है अप्लाई करने की ट्वेंटी एट अब बात करेंगे क्वालिफिकेशन की तो इसमें आपके पास तीन साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर आपके पास बी की डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर मैथ्स में मैं आपको बता देता हूं इसमें बी और बीटेक वाले कैसे अप्लाई कर सकते हैं तो अगर आप पेज नंबर सेवन में आएंगे पॉइंट नंबर फिफ्टीन इसमें आप पढ़ेंगे तो इसमें आ, यहाँ पे साफ साफ दिया गया है कि इसमें बी और बीटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर आपके पास रेलिवेंट डिसिप्लिन में ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए प्रोग्रामिंग एसोसिएट की पोस्ट के लिए एम या फिर एमएससी की डिग्री इन आई अगर आपके पास है या फिर आपके पास बी की डिग्री है कंप्यूटर साइंस में तो भी आप इसके लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं ये सभी पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं आप इसको अप्लाई करने से पहले ये चीज़ ध्यान रखें इसके बाद बात करते हैं स्टार्टिंग डेट क्या है ऑनलाइन अप्लाई करने की तो इसमें स्टार्टिंग डेट है फिफ्टीन सेप्टेम्बर ट्वेंटी यानी आप आज से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं अब बात करेंगे लास्ट डेट की तो इसमें लास्ट डेट है अप्लाई करने की थर्टी एथ सेप्टेंबर नेक्स्ट बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की तो सबसे पहले बात करते हैं सीरियल नंबर वन से सीरियल नंबर टेन तक के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में तो इसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और उसके बाद आपका मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा इसके बाद बात करेंगे सीरियल नंबर इलेवन की सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में तो इसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा और उसके बाद आपका मेडिकल फिटनेस टेस्ट भी होगा अब बात करते हैं सैलरी की तो सबसे पहले इसमें बात करेंगे मेंटेनेंस एसोसिएट प्रोग्रामिंग एसोसिएट स्टेशन कंट्रोलर और ट्रैफिक कंट्रोलर की सैलरी के बारे में तो इसमें आपकी सैलरी होगी थर्टी फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी रुपीज पर मंथ की ट्रेन ऑपरेटर उप्रे, की सैलरी होगी थर्टी सेवन की और टेक्नीशियन की सैलरी होगी ट्वेंटी थ्री पर मंथ की नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में तो इसमें आपकी एप्लीकेशन फ़ी होगी फाइव हंड्रेड फॉर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एंड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी कैंडिडेट्स इसमें एस और एस कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है एप्लीकेशन फ़ी आपको ऑनलाइन ही पे करनी है अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं इसमें आपको सेपरेट एप्लीकेशन फी पे करनी होगी नेक्स्ट बात करेंगे आपको अप्लाई कैसे करना है तो आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप चाहें तो वहाँ से भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं इसमें सब स्टेप्स दिए गए हैं आपको कहाँ से अप्लाई करना है कैसे अप्लाई करना है आप इसको अप्लाई करने से पहले इसको ज़रूर पढ़ लें अब मैं आपको दिखा देता हूँ आपको कहाँ से अप्लाई करना है तो आप वेबसाइट पर आएंगे इसमें आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना नाम फोन नंबर और ईमेल आईडी फिल करके रजिस्ट्रेशन करना है रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको आपका लॉग इन और पासवर्ड मिल जाएगा उसको फिल करके आप अपना बाकी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं अप्लाई करने से पहले आप एक बार नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लें और उसके बाद ही अप्लाई करें नोटिफिकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप चाहें तो वहां से भी इसको डायरेक्ट डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है आप जिस भी डिसिप्लिन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड यहाँ पे कोर्सेज दिए गए हैं। ये सब कोर्सेज इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई करने से पहले ये सब भी एक बार देख लें और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और ऐसी ही लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें